हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ सागो की कुछ रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे घर में बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनता है। सबसे पहले ये सागो और आलू का चिल्ला जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप भिगोए हुए सागो, 2 कच्चे आलू जिसे हमें ग्रेट करना है, नींबू का रस करीब 2 या 3 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक एंड अदरक और मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच। तो सबसे पहले मैं फूड प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर मिक्सर ग्राइंडर है आप उसे यूज़ कीजिए। सबसे पहले हमें आलू को ग्रेट करना है। अगर आप मिक्सी यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप आलू का पेस्ट बना लीजिए एंड उसके बाद आप जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं सभी को डाल दीजिए उसमें। तो यहाँ मैं अपना सागो जो भिगो के रखा है मैंने रात भर, उसे डाल रही हूँ एंड उसके साथ साथ मैं इसमें नमक, अदरक का पेस्ट और नींबू का रस डालूँगी और फिर मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। ये जो चिल्ला है ये मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है, बच्चों को ही नहीं हमें भी बहुत पसंद है। तो इसे आप अगर चाहो पार्टी में भी सर्व कर सकते हो, लेकिन इन दैट केस इसे छोटे छोटे बिस्किट के साइज का बना लीजिएगा और फिर उसे आप सर्व कीजिए। इसके साथ आप चाहो तो थोड़ी ग्रेटेड सब्जियाँ भी डाल सकते हो एंड बस इसे आप अभी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें मैं करीब 2 बड़ी चम्मच पानी मिला रही हूँ और इसे मिक्स करके फिर मैं इसे 5 मिनट रेस्ट करूँगी। तो आप देख सकते हो अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो उत्तपम बनता है उसके जैसी कंसिस्टेंसी है, हमें यही चाहिए। तो हम सबसे पहले तवा को गरम कर लेंगे और फिर उसमें अपना जो बैटर है उसे स्प्रेड करेंगे और फिर इसे ढक के 5 मिनट के करीब पकने देंगे, कम आँच पर या धीमी आँच पर। फिर आप पैन को हिला के देखिए, अगर आपका ये हिल रहा है तो ये रेडी है। ये थोड़ी अंदर से सॉफ्ट होती है लेकिन बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होती है। इसके साथ चल पड़ते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो है सागू की खिचड़ी। उसके लिए हमें चाहिए नमक, हल्दी, साबुत मिर्ची, 5 फोरन, तेजपत्ते, अदरक, हरी मिर्च, मूंग दाल भिगोए हुए करीब 1/2 घंटा एंड उसके बाद साबूदाना भिगोए हुए, हमें दाल को उबाल लेना है। इसके लिए आप प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हो, मैंने बर्तन में किया है। तो इस दाल में आप डालोगे तेजपत्ते, हल्दी और नमक, उसके साथ मैंने हरी मिर्च डाली है। आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा मिर्ची डालिए। दाल को पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो एक बार दाल पक जाए उसमें हम डालेंगे अपने भिगोए हुए सागो। उसके बाद 4 या 5 मिनट ही लगता है इसे पकने में और सागो डालने के बाद हम साइड बाय साइड तड़के की तैयारी कर लेंगे। तो तड़के के लिए सबसे पहले आप पैन में घी गरम कर लीजिए। आप चाहो तो इसमें तेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने 1 चम्मच घी यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो उसमें मैंने सूखी मिर्ची 5 फोरन और जो ग्रेटेड जिंजर है वो डाला है। अब जैसे ही तड़का रेडी हो जाता है उसे मैं खिचड़ी में डाल दूँगी और उसे मिक्स करके मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ तड़का रेडी है और ये गया ये खिचड़ी में। तो बस इसके बाद इसे मिक्स करना है और अलग से रख देना है। आप इसे 10-15 मिनट बाद सर्व कीजिए और इस खिचड़ी को इस नारियल वड़े के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप पापड़ के साथ या अचार के साथ भी खा सकते हो। तो नारियल वड़े के लिए आपको चाहिए 1 बड़ी चम्मच राइस पाउडर या चावल का आटा, गेहूं का आटा 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1 छोटी चम्मच, आधा नारियल ग्रेट किया हुआ 1/2 कप के करीब, करी पत्ते, अदरक, मिर्ची और नींबू का रस। तो
तो इसमें थोड़ा ज़्यादा नींबू का रस चाहिए। अभी आप सारे सामग्री को मिक्सी में डाल के आप उसे दरदरा पीस लीजिए। नारियल का बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे आप, ये चंदन के पेस्ट के जैसा नहीं होना चाहिए। तो बस एक बार रेडी हो जाए आप उसे 5 मिनट के लिए ढक के साइड में रख दीजिए। उसके बाद आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के इसे टिक्की का शेप दे दीजिए, या तो फिर कोई भी शेप जो आपको पसंद हो। बस सब टिक्की एक जैसी साइज़ की होनी चाहिए। उसके बाद तवा गरम करके या फ्राइंग पैन गरम करके उसमें आप तेल डालिए। मुझे ये सरसों के तेल में पकने से बहुत पसंद है, इसका जो खुशबू आता है वो बहुत पसंद है। आप चाहो तो इसे नारियल का तेल, तिल का तेल या कोई भी रिफाइंड ऑयल में पका सकते हो। इसको पकने में लगभग 3 मिनट लगता है हर एक साइड को। मैं अपना फ्राइंग पैन टेस्ट करती हूँ जिसमें मैं अपने फ्राइंग पैन को हिला के देखती हूँ, अगर टिकियाँ नाचने लगे तो वो पक चुकी है, अगर नहीं तो 1-2 मिनट और पका लेंगे। तो एक साइड पक जाने के बाद आप दूसरी साइड को पकाइए और इसे सर्व कीजिए अपनी फेवरेट चटनी या किसी भी खिचड़ी के साथ। एंड ये बहुत ही मज़ेदार होती है टेस्ट में। तो रेडी है ये। तो अभी चलते हैं जो लास्ट रेसिपी है, सागू वरे। ये भी बहुत ही जल्दी पक जाता है। इसके लिए हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक, मूंगफली जो मैंने 1/3 कप लिया है और मैंने इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, भिगोए हुए सागू 1/2 कप, उबले हुए आलू 1, धनिया पत्ता, मिर्ची एंड नींबू का रस। सबसे पहले मूंगफली को आप साफ करने के बाद उसे थोड़ी सी दरदरा पीस लीजिए मिक्सी में, और फिर आप उसे अलग से एक बर्तन में रखिए जिसमें आपके लिए मिक्सिंग इजी होगा। तो आप चाहो तो धनिया को बारीक काट सकते हो, मिर्ची को भी बारीक काट सकते हो, या तो फिर पेस्ट बना के ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दरदरा उसे पीस लिया है मिक्सी में अगेन। बस उसके बाद जितनी भी बाकी सामग्री है उसे आप ऐड कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए। ये जो टिकियाँ हैं ये पार्टी स्नैक के हिसाब से मैं बनाती हूँ एंड बहुत पसंद किया जाता है। टी टाइम में भी ये बहुत जल्दी बन जाता है अगर आपके पास सागू पहले से भिगोए हुए हो और ग्रेटेड आलू हो तो ये बहुत ही कम टाइम में बन सकता है। तो बस अभी सारा इंग्रेडिएंट्स आप एक साथ मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे हमें सागू का पेस्ट नहीं बनाना है, तो आप जब मिक्स करो उसे थोड़ा सा लाइटली मिक्स करो। एंड एक बार सारा कुछ इकट्ठे मिक्स हो जाए तो बस उसके इक्वल साइज़ की टिकिया बना के रख लीजिए। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो, मैं इसे टिक्की का शेप दे रही हूँ। तो इतने से अमाउंट में आपकी 6 टिकिया अच्छी तरह से बन जाती है। बस उसके बाद तवे में तेल गरम कर लीजिए, लगभग 1 चम्मच तेल चाहिए आपको, 1 बड़ी चम्मच। तेल रह जाता है बट फ्राई करने के लिए 1 बड़ी चम्मच काफ़ी होती है। तो बस टिक्कियों को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन तल लीजिए एंड दिस इज़ रेडी। और इसे आप अपनी मनचाही चटनी के साथ या तो फिर सॉस के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिए। एंड इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।